नमस्कार, मैं प्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना के एनआईटी में शुरू हुआ टॉयकथॉन, बिहार में आज से अनलॉक 3 जारी। शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया हुई शुरू। बिहार पुलिस में अब होगा आईएमसी का गठन। राजधानी पटना में 25 जून को होगा मेगा कैंप का आयोजन। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की शाम की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में आज से अनलॉक 3 जारी। बिहार में आज से अनलॉक 3 की शुरुआत हो गई है, जिसके बाद आज से घरों से ज्यादा लोगों की चहलकदमी सड़कों पर देखने को मिलने वाली है। गृह विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार आज से दुकानें शाम 7 बजे तक खोली जाएंगी। इसके साथ ही सरकारी और निजी कार्यालय भी आज से पूरी क्षमता के साथ 5 बजे तक काम करेंगे। इसके साथ ही आज रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत होने वाली है, जो कि सुबह 5 बजे तक जारी रहेगी। इसके साथ ही शादी समारोह में अब 20 के बजाय 25 लोगों के सम्मिलित होने की अनुमति दे दी गई है। वहीं 12 बजे दोपहर तक पार्कों को भी खोलने का ऐलान जारी किया गया है। हालांकि सरकार ने संभावित लहर को देखते हुए मॉल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और धार्मिक स्थल को बंद रखने का आदेश फिलहाल जारी रखा है। शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया हुई शुरू। बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी। लंबे समय से अटके तबादले की प्रक्रिया बिहार में अब रफ्तार पकड़ने लगी है। साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में शिक्षकों और पुस्तकालाध्यक्षों के तबादले को लेकर सरकार ने अपना आदेश जारी कर दिया है। इसको लेकर पोर्टल तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस बाबत शिक्षा विभाग ने पोर्टल का आखिरी ट्रायल भी बीते दिन देख लिया। हालांकि अभी तक तबादले की प्रक्रिया कब शुरू होगी, इसको लेकर कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है। पोर्टल आ जाने के बाद शिक्षा विभाग के पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे और सॉफ्टवेयर के माध्यम से इच्छुक शिक्षकों के तबादले सुनिश्चित होंगे। सरकार ने बताया कि पहले पुस्तकालाध्यक्षों, महिला और दिव्यांग शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। जदयू नेता से मिलने पहुंचे मनोज वाजपेयी। अपने परिवार के साथ समय गुजारने के लिए मनोज वाजपेयी इन दिनों बिहार में है। वहीं बीते कुछ दिनों से लगातार मीडिया में बने हुए हैं। इसी क्रम में बीते दिन बिहार से निकले अभिनेता मनोज वाजपेयी जदयू नेता और प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सुनील से मुलाकात करने पहुंचे, जहां पहुंचकर मुलाकात से संबंधित उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया। इस वीडियो में उन्होंने बिहार के लोगों से टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अगर आप कोरोना की तीसरी लहर या फिर संक्रमण को रोकने या फिर खत्म करना चाहते हैं तो बचे हुए लोग जल्द से जल्द टीका लगवा लें। सभी लोग अपने नजदीकी सेंटर पर अपने पूरे परिवार के साथ जाकर वैक्सीनेशन कराएं। ट्रेन से हो रही थी कछुए की तस्करी। बीते दिन कछुए के तस्करों का भंडाफोड़ हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार सासाराम रेलवे स्टेशन पर ऋषिकेश हावड़ा योग नगरी एक्सप्रेस 3010 डाउन के कोच संख्या 7 से चेकिंग के दौरान आरपीएफ के जवानों ने 4 बैग में रखे 48 जिंदा कछुए को पुलिस ने बरामद किया है। हालांकि कछुए से भरा बैग ट्रेन में किसने रखा, इसके बारे में कोई जानकारी आरपीएफ को नहीं मिली है। फिलहाल कछुए को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आरपीएफ के जवान ट्रेनों की रूटीन चेकिंग कर रहे थे, इसी दौरान पुलिसकर्मियों को ट्रेन में लावारिस बैग मिले। जब पुलिसकर्मियों ने बैग की तलाशी ली तो उसमें से कछुए बरामद हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने पर रोहिणी आचार्य ने कसा तंज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली जाने पर रोहिणी आचार्य ने कसा तंज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिन राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं, जहां जदयू की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आंख का इलाज करवाने दिल्ली गए हैं। वहीं विपक्ष बार बार इस यात्रा को मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़ रहा है। इसी बीच राजनीति में हाल ही में सक्रिय हुए रोहिणी आचार्य ने भी नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर तंज कसा, जिसके तहत उन्होंने लिखा कि जब संभल नहीं रहा राज्य तो क्यों नहीं कुर्सी से उतर जाते। जनमत के चोरों के सरदार खुद अपनी नाकामी का ही ढोल पीट रहे। आंखों के इलाज के लिए भी बिहार छोड़ दिल्ली जा रहे हैं। घूमने निकले डॉक्टर ठाकुर प्रसाद ने पकड़ी 32 किलो की रोहू मछली। सहरसा जिले के नवहट्टा में 32 किलो की रोहू मछली पकड़ी गई है। यह मछली अपने आकार और वजन की वजह से कौतूहल का विषय बन गई है। इस मछली को डॉक्टर ठाकुर प्रसाद ने सहरसा जिले के नवहट्टा में कोसी नदी से पकड़ा है। इस मछली का वजन ज्यादा होने के कारण उसे उठाने में परेशानी हो रही है। जब इस मछली के पकड़े जाने की खबर सामने आई तो आसपास के लोग वहां जमा हो गए। आपको बता दें कि डॉक्टर प्रसाद घूमने के लिए गए थे, जहां उन्होंने यह मछली पकड़ी। आपको यह भी बता दें कि डॉक्टर प्रसाद हड्डी रोग के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर प्रसाद मछली नहीं पकड़ते हैं, वो लोगों का इलाज करते हैं। अगर आप सहरसा से ताल्लुक रखते हैं तो आप डॉक्टर ठाकुर प्रसाद को अपना नर्सिंग होम वहां पर है, वहां पर आप जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। साथ ही चिल्ड्रन पार्क के पास में है और वहां आप हड्डी से संबंधित परेशानियों का इलाज करवा सकते हैं। बिहार पुलिस में अब होगा आईएमसी का गठन। मंगलवार को बिहार के नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में कुल 5 एजेंडों पर मुहर लगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार पुलिस में इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल के गठन को लेकर स्वीकृति दी गई, जिसके तहत बिहार पुलिस में आपराधिक मामलों की जांच की निगरानी को लेकर एक नई टीम का गठन होने जा रहा है, जिसके तहत इन्वेस्टिगेटिंग मॉनिटरिंग सेल यानी कि आईएमसी के रूप में सीआईडी के नए सेल का गठन जल्द ही कर दिया जाएगा, जो कि 69 लोगों की बड़ी टीम होगी। मिली जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस ने नवगठित होने वाली इस टीम को इन्वेस्टिगेशन और आरोपियों को जल्द सजा दिलाने की निगरानी
निगरानी करने के लिए गठित करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही बीते दिन राज्य मुख्यालय स्तर पर 1 SP, 7 DSP, 13 इंस्पेक्टर, 8 ASI और 11 सिपाही के पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई है। इनके अलावा 21 कंप्यूटर ऑपरेटर और 8 चालक सिपाही का भी पद सृजित और स्वीकृति दे दी गई है। पटना के NIT में शुरू हुआ टॉय कैथन, भारतीय खिलौने को प्रोत्साहित करने के लिए 3 दिवसीय ऑनलाइन टॉय कैथन की शुरुआत हो गई है। वर्चुअल रूप से इसका शुभारंभ केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, AICTE के चेयरमैन अनिल डी सुहस्रबुद्धे भी शामिल हुए। इसके तहत NIT पटना समेत देश के 87 IIT और NIT में इसका आयोजन वर्चुअल रूप से हो रहा है, जहां पर देश भर के लगभग 1,20,000 प्रतिभागियों ने ऑनलाइन हिस्सा लिया है। इसमें से 17,000 से अधिक के विचार रजिस्टर किए गए हैं। इनमें से 1567 आइडिया और 22 से 24 जून तक होने वाले टॉयकथॉन के लिए इसे चुना गया है। राजधानी पटना में 25 जून को होगा मेगा कैंप का आयोजन। राजधानी पटना में 25 जून को मेगा कैंप का आयोजन होने वाला है, जिसकी जानकारी जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने दी है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन टीकाकरण अभियान को गति प्रदान करने और सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित कराने के लिए अनुमंडल और प्रखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ जूम के माध्यम से बैठक की, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए, जिसके तहत ही उन्होंने कहा कि राजधानी पटना में टीकाकरण की गति को रफ्तार देने के लिए 25 जून को 87,000 व्यक्तियों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित कर पूर्व की भांति अपने जुनून और जज्बे के साथ आपसी समन्वय एवं सहयोग से एक बार पुनः नया कीर्तिमान स्थापित करना है। इसके साथ ही जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रखंडवार एक एक पंचायत का चयन कर 100% व्यक्तियों का टीकाकरण 1 सप्ताह के भीतर सुनिश्चित कराने की दिशा में अभियान जारी है। गया कामाख्या साप्ताहिक एक्सप्रेस का परिचालन हुआ शुरू, रेल यात्रियों को कामाख्या आना जाना अब आसान होने वाला है। गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से अपने पुराने समय से 15 महीने बाद गया कामाख्या साप्ताहिक एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हो गया, जिससे कि कामाख्या को जाने वाले नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर के रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इस बार गया कामाख्या साप्ताहिक एक्सप्रेस को LHB रैक 22 कोच के साथ परिचालन शुरू हुआ है। इतना ही नहीं, सभी क्लास में सीट पुराने रैक की तुलना में ज्यादा है। इसमें आरक्षण लोगों को आसानी से मिल जाएगी। संकट की घड़ी में साथ नहीं मिलने से निराश दिखे हनुमान, खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग भाजपा की तरफ से साधी गई चुप्पी को लेकर काफी निराश दिखे। इस दौरान चिराग ने कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान और वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे, लेकिन जब इस कठिन समय में उनके हस्तक्षेप की उम्मीद थी तो भगवा दल साथ नहीं था। चिराग ने कहा है कि अभी भी मोदी में विश्वास कायम है। उन्होंने आगे कहा कि अगर आपको घेरा जाता है, धकेला जाता है और कोई फैसला लेने के लिए मजबूर किया जाता है तो पार्टी सभी संभावनाओं पर विचार करेगी। लोजपा को अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में इस आधार पर निर्णय लेना होगा कि कौन उसके साथ खड़ा है और कौन नहीं। नवादा वन प्रमंडल में व्याप्त भ्रष्टाचार पर पटना हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। नवादा वन प्रमंडल और कौवाकोल में बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार, वनों की अवैध कटाई और DFO नवादा की तरफ से की जा रही अनियमितता के खिलाफ अधिवक्ता प्रभात भारद्वाज ने पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इसको लेकर ही बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में नाराजगी भी जाहिर की, जिसके बाद अब पटना हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर सरकार से 4 हफ्ते में जवाब की मांग की है। आपको बता दें, यह पूरा मामला नवादा वन प्रमंडल में वनों के क्षेत्रीय प्रभारी के रूप में अवधेश झा को लेकर है। अवधेश झा पर पूर्व में ही आय से अधिक संपत्ति को लेकर विजिलेंस केस दर्ज है, जिसमें उन्हें अंतरिम राहत तो मिली थी, बावजूद इसके नवादा वन प्रमंडल महत्वपूर्ण जगह पर उनकी पोस्टिंग हुई है। मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा पर अब कांग्रेस ने कसा तंज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा बिहार के राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बनी हुई है। यह कारण है कि लगातार विपक्षी दल की तरफ से बयानबाजी की जा रही है। इसी क्रम में राजद के बाद अब कांग्रेस ने भी तंज कसा है, जिसके तहत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर को आंख दिखाने गए हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? पटना और राज्य में आंख के अस्पताल है, बेहतर डॉक्टरों की टीम है, इसके बावजूद आंख जांच के लिए दिल्ली जाने की जरूरत पड़ जाना राज्य स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता पर सवाल है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे राजनीतिक आंख दिखाने गए होंगे। सूरजभान सिंह ने लोजपा कार्यकर्ता से की मुलाकात। लोजपा के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और नवादा के सांसद चंदन सिंह ने पार्टी को एकजुट करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा समर्थन के लिए कवायद शुरू कर दी है। इसी क्रम में ये दोनों बीते दिन नवादा जिले पहुंचे, जहां इन दोनों ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही पार्टी को लेकर मीडिया से बातचीत भी की, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है। मीडिया द्वारा फैलाई जा रही खबरें पूरी तरीके से अफवाह है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। कौन क्या बोल रहा है उस पर हम ध्यान नहीं देते। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी है और आगे भी रहेगी। यह केवल पारिवारिक मतभेद है जो बहुत ही जल्दी सुलझा लिया जाएगा। हर परिवार में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव होते ही हैं। देश में कोरोना के मिले 50,000 से ज्यादा मामले। देश में मंगलवार को कोरोना के 50,784 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 68,529 लोग ठीक हुए हैं और 1,359 लोगों की मौत हुई है। इस तरह एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 19,122 की कमी उसमें देखने को मिली है। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3 करोड़ के पार पहुंच गया है। कोरोना के काबू होते हालात के बीच 9 राज्यों में अब भी रोजाना 1,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना और असम राज्य शामिल है। केरल में तो यह आंकड़ा 12,000 से भी ज्यादा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश के कई राज्यों में मिले डेल्टा प्लस वेरियंट को देखते हुए बिहार में कौन कौन से एहतियाती कदम उठाए जाने की जरूरत है? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।